और गल गल बीरबानी गीत गाती जाती कि होली का एक महीना पहले ही होली को डांडो रोप देता करती, आदमी ही वह लुगाया का कपड़ा पहन के डांस करया करता, घरा गोबर से वह भड़कुला बनाता, लेकिन आजकल का टाबरान तो गोबर में हाथ देता भी जोर आवे। पल्ला वाली जो लड़कियां थी ना बन में चाव रतो भड़कुला बनान को, यानी ओड करती एक दूसरा की, ऐसा देखती कि हाँ बहुत ज्यादा न बना ले, मैं कम न बना लू। सपनों की दुनिया अपनों का प्यार, सपनों की दुनिया अपनों का प्यार, गालों पे गुलाल पानी की बोछार, सुख समृद्धि और सफलता का हार, आप सभी को मुबारक हो होली का त्यौहार। सभी दर्शकों ने होली की खूब खूब राम राम जी। ते पल्ला जो होली मनाता वह कैसी मनाता, अभी के बारे में थोड़ा सा बताइयो। बाया भाई धमाल बोलता जाता, नाचता जाता और गल गल बीरबानी गीत गाती जाती, ठीक है ना, बस यही है ना, और की कूदता जाता खूब नाचता पा होली मंगला होता, होली मंगला के बैठे खूब नाचता कूदता और पाछा नाचता कूदता घर आमता पा गुआड़ में आके पा और दिन ये तो नाचा जाता। दूसरे दिन पर गेर खेलता, गेर खेल बोकता रंग छिड़क बोकता, कोई तो कालो मुँह कर दे तो और कोई क्यों कर दे तो और कोई क्यों कर दे तो सारे दिन खेल वो करता, इतारा जाके आपका घर चला जाता। राम होली को त्यौहार है वो अपना है, भाईचारा को त्यौहार है, यानी असत्य पर सत्य की जीत है, यो एक आया को त्यौहार है जिका अंदर लोग है वह इतना मिलजुल के रवि, यानी कोई अगर इंसान नाराज है तो वो भी एक अंदर है वो नाराजगी सारी दूर हो जावे है। हाँ एकदम से कलरफुल है, जै कलर कलरा को रंग बिरंगो, जै कलर रंग बिरंगा हुई भाई ये कलर ही वह अपनी जिंदगी का अंदर कलर कलर लेके आवी ही, और जै थे मतलब कोई इंसान जै नाराज है तो होली के अंदर भी इंसान की नाराजगी दूर करण को एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है, यो अपना हिंदू धर्म को बहुत ही पवित्र त्यौहार है। कोई इंसान जाए नाराज है तो भी को थोड़ा सा कलर लगा दो तो कलर लगा के गले मिलके कलर लगा दो तो भी की नाराजगी अब हमेशा खातर दूर हो जावे है। बोले जा है कि कलर बहुत कच्चा आवी ही, लेकिन यो एक कच्चो सो कलर है वो आपने जो रिलेशन होवी बिन बहुत ही ज्यादा पक्को कर देवे है। होली है बा फागण की, फागण का पूर्णिमा ने आवे है, पहला लोग के करया करता कि होली का एक महीना पहले ही होली को डांडो रोप देता जिन आप प्रहलाद जी का रूप में जाना हाँ, और आज भी के बाद में एक महीना तक जो गांव का लोग ही वह चौपाल के अंदर बैठ के और चंग गाया करता, लुगाई ही वह गीत गाया करती, आदमी ही वह लुगाया का कपड़ा पहन के डांस करया करता, लेकिन आजकल है वो सारों को सारो जो सिस्टम है वो एकदम से खत्म होता जा रहे है। आजकल का लोग अब अपनी इस सारी की सारी संस्कृति न भूल रहे हैं, आजकल का टावरन तो भी गुन बेरो बड़कुला की हुई और क्यों बनी ही, यानी जो जो रेडीमेड जो सोप के अंदर आवी आजकल तो लोग बह लिया ही, यानी पहले लोग घरा गोबर से भड़कुला बनाता, लेकिन आजकल का टावरन तो गोबर में हाथ देता भी जोर आवे, लोग ही बहुत बड़ी बड़ी मतलब बड़कुला बनाया करता गोबर से, और बड़ी 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 माला बनाया करता, बहुत सारी माला बना के घर का हेड छत पर डाला करता। जय मैं थान दिखा रही हूँ कि ये लड़की ने देखो पीछे जय या डाल रही है, इ तरीकाओं लोग पल्ले है वह छत्ता को ऊपर है वो माला बना बना के डाला करता। लड़कियाँ क्या करती जितना खुद का भाई होता ना इतनी ही माला बनाती और बनकी हाइट के हिसाब से माला बनाती, बड़ी बड़ी माला बनाती। पल्ले वाली जो लड़कियाँ थी ना बन मैं चाव रतो भड़कुला बनाने को, यानी ओड करती एक दूसरा की, ऐसा देखती कि हाँ बहुत ज्यादा न बना ले मैं कम न बना लूँ, यानी बहुत सारा बड़कुला बनाया करती, लेकिन आजकल जो यह सेंस करती है बस नष्ट होती जा रही है। लोगों तो अं कुन बेरो कहें के प्रोग्राम बनावी, पहले लोग अब इतना ज्यादा उत्साहित रहता एक महीना पहले ही होली की तैयारी करने लग जाता, लेकिन आजकल तो होली वाले दिन भी आए पत्तो ही कुन चाला कि होली है कि जय थे देख को हो कि पल्ला का लोग ही बस कहें डांस करया करता, अलग अलग लेडीजा का कपड़ा पहन के कहें नाचा करता चौपाल के अंदर, और जय थे अड़िन देख को हो कि जो ये लेडीज है वह होलिका के चारों ओर फेरा ले रही है, यानी यह हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब कोई लड़की है बल्कि नई नई शादी हो है और बिकी जब फर्स्ट होली हो है भी फर्स्ट होली का ऊपर व आपका पीहर के अंदर होली के चारों ओर फेरा ले है, या हिंदू धर्म की एक रिवाज है। और जय थे ही थोड़ी दूरी पर देख रहे हो कि कुछ लेडीज है कुछ बच्चा ही बस लड्डू बना रही मिट्टी के अंदर अनाज डाल के लड्डू बना रही, यानी की मान्यता है कि जब आप होली को ऊपर फसल कटाई हो है तो भी के अंदर ये जो अनाज जो निकल भी अनाज का वो अनाज लेके और उरे लड्डू बनाए जाए मिट्टी के अंदर डाल के, यानी एक तरीके से उरे खेती करे जा अनाज बोए जा, तो एक ही मान्यता है कि जो अपनी जो फसल है वह अगले टाइम में है ना और भी ज़्यादा अच्छी हो है, यानी यह उरा मान्यता है कि जो आप हमारी जो फसल है वह इब की बार जाए की हुई है भी सभी ज़्यादा अच्छी अगली बार हो है ज़्यादा अनाज पैदा हो। Oh, 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 oh
एक बार हम आप बात करा तो लोग बतावी पल्या वाला कि हिरण्यकश्यप नाम को एक आदमी हो जो बिका एक पुत्र हो प्रहलाद, वो अब जो हिरण्यकश्यप है वो भगवान की पूजा करी और पूजा करके वो एक वरदान प्राप्त करो कि वो है ना अमर रहेगा, लेकिन बिको एक तो बिका अंदर है ना बहुत ज़्यादा घमंड आ गो, तो वो आपका बेटा ना बिको एक बेटो हो वो भी की पूजा कौन करया करतो, तो वो भी ना बोलया करतो कि मैं ही भगवान हूँ, मैं अमर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो तू मेरी पूजा करया कर, लेकिन वो भी को बेटो हो प्रहलाद वो हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करया करतो और आपका पापा ने भगवान को नहीं मानतो, और जो गांव का सारा लोग अब इन पूजा करता ई बात को प्रहलाद ई बात को जो प्रहलाद का पापा जी है यानी जो हिरण्यकश्यप वो तो बिन है ना भी बात को बहुत ज़्यादा बुरो लगे कि पूरा गाँव का लोग ही मेरी पूजा करें मन भगवान मानी लेकिन मेरो बेटो है वो ही मेरी पूजा कौन करे, तो एक गलत इफेक्ट पड़ेगा गाँव का लोग पे, इसलिए वो है ना प्रहलाद ने मारण की बहुत ज़्यादा कोशिश करी लेकिन बार बार में भगवान विष्णु जी ही हमेशा प्रहलाद ने बचा लिया करता। फिर एक दिन बनकी सिस्टर ही ओलिका हिरण्यकश्यप की सिस्टर ही ओलिका जन वरदान हो बनकन एक कपड़ो हो वो कपड़ो पहन के अगर वह आग के अंदर बैठ जावी तो वह जड़ा कौन करता, तो इसलिए वह सोचा कि क्यों ना इन एक अंदर बैठा देवा तो वह ही बिका अंदर जड़ जाऊगो प्रहलाद बिका अंदर जड़ जाऊगो। फिर ओलिका वह भाव इन गोद में लेके बिका अंदर बैठे है तो इतनी ज़्यादा तेज हवा चला कि ओलिका को जो कपड़ो थो वो प्रहलाद को ऊपर आ जावे है और प्रहलाद अब वो तो बच जावे है और ओलिका है भाभी आग का अंदर जल के राख हो जावे है, तो यह माने जा है कि ई ओलिका अंदर मतलब जितनी भी बुराई ही बुराई ही वह ई ओलिका अंदर ही जल के राख हो जावे ऐ आपने जो हिंदू धर्म है बिका अंदर मान्य है कि सारी की सारी बुराई है जय जय ओलिका को दहन हुआ बया बया जो आपने जितनी भी बुराई हुई समाज की वह सारी भी का अंदर जल के राख हो जावी ही। और वीडियो किसों को लागे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइयो थे लोग भी ओली की तरीका से कितनी इंजॉय करी वह चीज भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइयो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो लाइक करियो, चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करियो है तो सब्सक्राइब कर लो और बिक करना एक बेल आइकन बटन है बिन जरूर दबाइयो ताकि हमारा आने वाला जितना भी वीडियो ही बनका सारा नोटिफिकेशन थार तक पहुंच सके। जय झुंझुनू, जय राजस्थान।